करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे अर्निका माउंट मदर क्रिएचर के बारे में। वैसे तो मैं बता दूँ कि अर्निका माउंट जो है तो एक आम जुबान में जिसमें टंडनिका पाला कहते हैं उससे तैयार किया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर उसको इसी नाम से जाना जाता है। अर्निका माउंट जो आपके सामने जा रही है ये डॉक्टर विलियम शोबे का जो है तो प्रोडक्ट है और उमूमी तौर पर हर मेडिकल स्टोर पे आपको बआसानी मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, होम्योपैथिक के तो पहले साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन मिसमैच मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल की जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ज़रूर लें। अर्निका माउंट के जो है तो फ़ायदे और नुकसान के बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्निका माउंट जो है तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जहाँ पर जो है तो हेयर ग्रोथ रुक गई है, दो मुँह बाल हैं और मैं आपको बता दूं कि सिर के अंदर खुजली रहती है, दूसरी तरफ जो है तो कहीं ज़ख्म लग गया है उसके लिए ये बहुत ही आरामद प्रोडक्ट है और उसको जो है तो ये हील करने में काफ़ी अच्छी तरह से मदद देता है। दूसरा, एवरी इंजरी फील लाइक थ्रेड, मतलब कि जो भी जो है तो इंजरी होती है, जो भी मार लगता है इसके अंदर पेशेंट जो है तो एक उसको हार्डनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो इंजरी के प्रोडक्ट या इंजरी के लिए मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर कैलेंडुला भी है और कई एक सारी मेडिसिन है, लेकिन अर्निका माउंट एक स्पेशल मेडिसिन मानी गई है मार लगने के लिए। उमूमी तौर पर जो अर्निका का हर्ब होता है तो जब मार लग जाता है तो गांव खेड़ों के लोग भी उसको जो है तो हर्ब को तोड़ते हैं और उस जगह पर लगाते हैं जहां पर जो है तो मार लग जाता है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये कितना कारामद और कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल दो मुँह के हो गए, झड़ रहे हैं, लॉन्ग नहीं है, थिकनेस नहीं है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। अब जो तो बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, तमाम मेडिसिन की जो है तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का खास करके साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। उमूमी तौर पर इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन टोटलिटी के बगैर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप नज़दीकी डॉक्टर या हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उसके ज़रिए से हमें कांटेक्ट करके जो है तो टोटलिटी आपका केस देकर और उसके बाद जो है तो आप जो है तो मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी कीमती और आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।